आजमगढ़ अबाड़ी मुबारकपुर गांव की एक घटना है, मुबारकपुर थाना की विवाद में माताजी को चोट लगी और इधर देखिए ये बच्चा है। इस तरह की घटनाएं इस देश में रोज होती हैं और पता नहीं चल पाता है। ये सब क्रोध में हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव बन चुका है। और किसी की गलती देना, सजा देना, क्या इस समस्या का समाधान है? आप लोग खुद सोचिए। अगर इन घटनाओं से बचना चाहते हैं तो सिर्फ हर गांव में 50 लोग एक हो जाइए, हर गांव में 50 लोग एक हो जाइए। और क्या लगता है कि अगर आप जिसने आपको मारा उसको गोली मार दी जाए तो आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं ना। उसको अगर 10 साल जेल में डाल दिया जाए तो क्या आपको न्याय मिल जाएगा? क्या लगता है, न्याय मिल जाएगा? सर देखिए, अपराध किया है तो अपराध के सजा मतलब वो तो कानून देगी। बेटा सदियों से अपराध लोग कर रहे हैं, सदियों से सजा मिल रही है, लेकिन कुछ बदला नहीं। मैं वादा करता हूँ आजमगढ़ के लोगों से, देश के लोगों से, अपनी ताकत समझिए, उल्लू टीवी देखिए, प्यार दीजिए। इन समस्याओं का समाधान हमारे पास है। बोलिए, आप चाहेंगे कि उसको गोली मार दी जाए? नहीं नहीं बेटा, इस तरह की समस्याएं ना हो ये आप चाहेंगे ना? हम वादा करते हैं इस देश से 1,00,000 मर्द पैदा करूंगा और ऐसी घटनाएं नहीं होने दूंगा। सबकी गुंडई उसकी पिछवाड़े में घुसा दूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो, आप लोगों का प्यार मिला तो। मैं उल्लू टीवी से राजीव, आजमगढ़ से, दादी माँ आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस तरह की घटनाएं ना होने दूं। और जितने भी लोग अब हाथ उठा रहे हैं ना किसी पे, याद रखो, सतर्क रहो, तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है। आई नो बेटर देन यू। पूरे परिवार की जो है उसके घर में मार। ठीक है, ये जूसा डायमंड ज्वेलरी, आपको धन्यवाद। खबर के इस भाग के प्रायोजक थे। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, कुछ ना कुछ इस देश में नया जरूर होगा। धन्यवाद।